तुरंत प्रभाव से दी गई कोई आपके लिए भी से कुछ दिन पहले घर नहीं गए थे उस टाइम लग रहा था कि बीमार नहीं होगी ऐसे बोले किसी सूरत में बीमार नहीं लग रही पूरी तंदुरुस्त रही और खैर थी पूरे खैर बहुत एक्टिवली आपके लिए हम काम करेंगे काम और अब क्योंकि आपके बेटे आपने कहा कि आदमपुर से लड़ सकते तो कितनी कमी खलेगी। देखिए चुनाव मेरा बेटा लड़ेगा या कोई और लड़ेगा इसका फैसला तो करेगा बीजेपी का लेकिन निसंदेह उनके जाने से आदमपुर में मुझे वोटों का नुकसान मौत परिजन संदिग्ध बता रहे हैं आप भी मांग करते हैं सीबीआई जांच पूर्ण रूप से मैं परिवार के साथ हूँ और परिवार ने कहा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें बिना किसी विलंब के सरकार को सीबीआई को कहते थे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दिया आपने भी बहुत रिसेंटली कांग्रेस छोड़ा मुझे पॉलिटिकल ना करें यहाँ पे सर 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 क्या कहेंगे देखिए बहुत शोक की बहुत दुख की बात है कि आज सोनाली जी हमारे बीच में नहीं रही हैं और मैं इसे अपना व्यक्तिगत नुकसान भी बोलूँगा और राजनीतिक नुकसान भी बोलूँगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मन से मुझे आशीर्वाद दे के कहा था कि मैं और मेरी पूरी टीम आदमपुर में आप लड़े या भव्य लड़े हम मन से साथ देंगे तो मेरा राजनीतिक नुकसान भी इसमें मानता हूँ। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उन्हें शक है कि उनका मर्डर हुआ। देखिए निसंदेह मैं पूर्ण रूप से परिवार के साथ हूँ तुरंत प्रभाव से कि सीबीआई को केस दे देना चाहिए ताकि सबूत कोई मिटाने में लोग कामयाब ना हो और अभी तक दे देना चाहिए था बल्कि लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए अभी मैं फिर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिना किसी विलंब के ये केस सीबीआई को देना चाहिए ताकि लोगों को परिवार को सच्चाई पता चले। चुनाव आने वाले कितना नुकसान मानते हैं उनके बगैर? देखिए राजनीतिक रूप से उनके आने से निसंदेह नुकसान हमें होगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपका मन से हम साथ देंगे तो निसंदेह हमें परिवार जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है आप सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल पाएगा? देखो जब तक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं पता चलेगा और इसमें बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र करके हत्या की गई और बहुत बड़े बड़े नेता इसमें शामिल और ये पता तब चलेगा जब सीबीआई जांच हो जाए और हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में वो सिटिंग जज की तो पता चल जाएगा। और मुख्यमंत्री को समस्या क्या है सीबीआई जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है भाई? उन्हीं की पार्टी की नेत्री रही है चुनाव भी लड़ा है जी। वो एक सोशल एक्टिविस्ट रही है जी। कलाकार रही है तो क्या प्रॉब्लम है सीबीआई जांच कराने में बताओ? किस चीज से डर रहे हैं? बचा किसको रहे हैं ये लोग? तीन तीन दिन के बाद पोस्टमार्टम दो दो दिन के बाद होता है तो पोस्टमार्टम में उसमें आधी चीजें तो वैसे ही गायब हो जाती है बॉडी से। तुरंत क्यों नहीं हुआ? तुरंत FIR क्यों नहीं हुई बताओ? जिस प्रकार से बार बार ये भी सवाल उठ रहा है कि केंद्र में भी बात करें तो बीजेपी है, अगर हरियाणा में भी बात करें तो बीजेपी है, यहाँ तक कि गोवा में भी बीजेपी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं जो है पोस्टमार्टम पहले जो FIR जो है वो पहले कराई गई? क्यों बार बार ये बात कही जा रही थी कि गोवा का रूल अलग है? क्या इसमें भी कोई साजिश है? आपके सवालों में ही आपके जवाब है जी, ठीक है, और आपके जवाब जो भी है मैं बता रहा हूँ। मैं शुरू में ही कहा था ये एक राजनीतिक हत्या है, षड्यंत्र है पूरी तरह से, और अगर इसकी जांच हो जाए निष्पक्ष तरीके से तो बड़े बड़े नेता फंसेंगे इसमें और ये जो पकड़े गए हैं छोटी मछली है, मगरमच्छ बागड़ बिल्ले इस सिस्टम से बाहर हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।